नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज एडर में तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड के बारे में इससे पहले मैंने एक मैथ ओलंपियाड पे वीडियो बनाया था जो कि इंडियन टैलेंट ओलंपियाड इसको ऑर्गेनाइज करता है उसी के बेस पे ये दूसरा वीडियो हम बना रहे हैं जो कि इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड जिसको फॉर्मली हम नाम से जानते हैं साइंस ओलंपियाड के नाम से तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि इस एग्जाम को कैसे अप्लाई करना है रजिस्ट्रेशन इसका स्टार्ट हो गया है कैसे प्रिपरेशन करेंगे कैसे क्या करना होता है फुल डिटेल सिलेबस क्या होता है क्या इसका टेस्ट सीरीज होता है कैसे बुक्स आप खरीदेंगे इन सब बातों का ध्यान रखते हुए चलिए हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए और आगे बढ़िए मैं हूँ विवेक और इसी के साथ हम शुरू करते हैं इस वीडियो को तो चलिए सबसे पहले आप स्क्रीन पे आ जाइए तो स्क्रीन पे आता ही आपको यहाँ पे दिख रहा होगा देखिए इंटरनेशनल साइंस ओलम्पियाड जो कि ऑर्गेनाइज़ किया जाता है इंडियन टैलेंट ओलंपियाड के द्वारा सो so बेसिकली ये एग्ज़ाम जो है इसलिए ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है ताकि स्टूडेंट का जो है उनका जो जो अप्लाइड बेसिस पे यानी कि अप्लाइड साइंस पे जो एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज़ करता है तो उनका फिजिक्स केमिस्ट्री, बायो इन तीन सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए उनको जो टैलेंट एनालिसिस कर उनको जो होता है एक तरह से बिल्डअप किया जा सके ताकि वो अपने जो स्कूल लेवल पे जो उनका सिलेबस है उसी करिकुलम पे ध्यान रखते हुए ये एग्जाम दिया जाता है ताकि उनका इस एग्ज़ाम के साथ साथ जो स्कूल लेवल पे उनका जो एग्ज़ाम होता है उसको भी इसके थ्रू जो होता है बिल्डअप हो और स्ट्रॉन्ग बन सके तो अब आपको मैं बताता हूँ इस एग्जाम में पार्टिसिपेट क्या करना होता है कैसे पार्टिसिपेट करेंगे इस एग्जाम में तो इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको दो तरह के मेथड है यहाँ पे एक तो आप ऑफलाइन इसको जो होता है स्कूल के थ्रू जो कि क्लास वन टू क्लास टेन जो है अपने स्कूल के थ्रू जाके आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने स्कूल टीचर से बोल के आप जाके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं दूसरा है जो कि इंडिविजुअल आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो कि ऑनलाइन मोड है तो उसके थ्रू आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऑनलाइन मोड के थ्रू और इसके जो अगर स्कूल से करते हैं तो इसके जो टीम है स्कूल तो से कॉन्टेक्ट करेंगे आई टी की टीम से फिर ऐसे करके आप इसको एग्जाम को घर बैठे ही अपने दे सकते हैं ऑनलाइन के थ्रू स्कूल के थ्रू भी आप इसको चाहें तो इसको दे सकते हैं तो ये तो हो गया हाउ टू पार्टिसिपेट मतलब कैसे पार्टिसिपेट करेंगे सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है देखिए आप जाके अच्छे से इसका सिलेबस देख लीजिएगा सिलेबस देखिए यहाँ पे दिया हुआ अच्छे से आप जाके यहाँ पे देख लीजिएगा पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है बेसिकली इसका जो सिलेबस है जो आपका जो करिकुलम जो बेस्ट एकेडमी करिकुलम होता है उसी के बेस पे ध्यान रखते हुए इसका सिलेबस है क्लास वन टू टेन कुछ ज़्यादा इसमें चेंज वगैरह कुछ नहीं है थोड़ा बहुत लेवल इधर उधर हो सकता है लेकिन आपके जो कर स्कूल करिकुलम है उसी के बेस पे इसका सिलेबस होता है तो आप जाके इस पर पूरा एक बार चेक कर लीजिएगा यहाँ सिलेबस दिया है क्लास वन टू टेन का यहाँ क्लास वन टू, टू टेन का पूरा सिलेबस दिया हुआ है आप जाके इस पर चेक कर सकते हैं प्रिपरेशन के लिए देखिए आपको क्या करना होगा इसके लिए वर्कबुक आता है इंडियन टेलेंटियाड इसके लिए एक वर्कबुक जारी करता है जो आप चाहें तो इसको यहाँ से बाय नाउ करके खरीद सकते हैं यहाँ पे इसके वेबसाइट से जैसे यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है बाई नाउ यहाँ से जाके आप इसको खरीद सकते हैं और देखिए इसमें साथ साथ आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी दिया रहता है ताकि आपको अच्छे तरह से एक तरह एनालिसिस हो जाए और क्वेश्चन पेपर के साथ जो होता है डिटेल में यहाँ पे उसका सोलूशन दिया रहता है डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है और वर्कबुक में यहाँ पे आपका जो होता है एम होता है साथ में उसका आंसर भी यहाँ पे दिया रहता है तो आप दोनों इस बुक को खरीद सकते हैं और ऐसे करके प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं अब आपको बताता हूँ कि साइंस ओलंपियाड जो होता है ये एनुअल एनुलपियाड भी होता है मंथली ओलम्पियाड भी होता है जनरली जो ज़्यादा फेमस होता है इसका एनुअल एनुलपियाड होता है जो कि क्लास वन टू अगर फोर में अगर जिनको है तो उसमें जो होता है थर्टी फाइव क्वेश्चन आता है उसमें और फिफ्टी क्वेश्चन आता है क्लास फाइव टू टेन के लिए तो इस बात का आपको ध्यान में रखना होता है इसको इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड आई के नाम से हम जानते हैं अब आपको बताता हूँ कि जो 40 मिनट का देखिए यहाँ पे एग्जाम होता है जो अगर ऐसे एग्जाम होता है सिर्फ 40 मिनट का होता है और ड्राइंग एग्जाम जो होता है 60 मिनट का होता है बाकी जो सब एग्जाम इसका जैसे कि साइंस का इसका जो होता है एग्जाम इंटरनेशनल साइंस ओलम्पियर मैथ जी के कंप्यूटर सोशल स्टडी जो कि पैंतालीस मिनट का एक एग्जाम होता है इसको आप ऑनलाइन घर बैठे ही आप इस एग्जाम को आप अच्छे से दे पाएंगे ऑफलाइन एग्जाम देखिए कंडक्ट होता है आप स्कूल के पार्टनर के द्वारा मतलब स्कूल टीचर से ऑर्गेनाइज करते हैं तो स्कूल में एग्जाम होता है ऑफलाइन वहाँ पे ओम आर एम आर आंसर सीट वगैरह सब दिया रहते है जिसके थ्रू आप एग्जाम दे सकते हैं तो वो जो एग्ज़ाम जो होता है ऑफलाइन एग्ज़ाम वो आपका होता है पैंसठ मिनट का एग्जाम होता है इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम वहाँ पर दिया जाता है ताकि आप ओ एम सीट जो अच्छे से भर सके तो ये एक हो गया इसके स्कूल के थ्रू आप ऑर्गेनाइज स्कूल के थ्रू जो ऑर्गेनाइज होता है तो यहाँ जाके आप इसको अच्छे से यह एक बड़े यहाँ पे इसको विजिट कर लीजिएगा वेबसाइट को अच्छे से देख लीजिएगा ये देखिए रजिस्टर नाउ का ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है यहाँ जाके आप क्लिक करके इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं दूसरा जो होता है देखिए मंथली ओलंपियाड होता है ये भी बहुत ही फेमस ओलंपियाड है मंथली ओलंपियाड जो कि आपको इस बात को ध्यान में रखना होता है ओलंपियाड ये जो है इसमें एक टाइम स्लॉट आपको दिया जाता है जो कि दस बजे से लेकर शाम छः बजे तक के बीच में जाके आप इस एग्जाम को दे सकते हैं जो कि इसमें जो मैथ साइंस और इंग्लिश जी के हैं जो कि हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं सिर्फ साइंस के बारे में तब साइंस का एग्जाम इसमें दे सकते हैं इसमें ये जो टेस्ट ड्यूरेशन होता है जो कि मंथली टेस्ट जो होता है ये पच्चीस मिनट होता है पर टेस्ट हर एक टेस्ट जो होता है इसमें पच्चीस मिनट का होता है तो आप जाके इसमें दे सकते हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या करना होता है रजिस्ट्रेशन करना होगा यहाँ देखिए जो रजिस्ट्रेशन नाव दिया हुआ है इस पर आप रजिस्टर कर रजिस्ट्रेशन करके आप जो है मंथली ओलम्पियाड को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है जो ऑनलाइन टेस्ट होगा देखिए उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग होगा वीडियो रिकॉर्डिंग होगा साथ में इमेज कैप्चर होगा आई बॉल रिकोगोगोग्नीसन होता है तो ये बातों को ध्यान रखना होता है तब जाके इसमें ऑनलाइन टेस्ट होता है अब इसमें सेम्पल वर्कबुक दिया हुआ आता है जो कि आप यहाँ से देखिए क्लिक करके आप यहाँ से ले सकते हैं अगर आप इस एग्ज़ाम को आप देख रहे हैं वर्कबुक के साथ कुछ क्वेश्चन पैटर्न आंसर कीज भी दिए रहते हैं तो इस सैंपल वर्कबुक को आप ख़रीद सकते हैं यहाँ देखिए ऑप्शन दिया हुआ अगर क्लास वन का खरीदना है तो यहाँ से ये यह करके खरीद सकते हैं आप सिंपल क्वेश्चन पेपर भी दिया हुआ है ये भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं सिंपल क्वेश्चन पेपर से आपको हेल्प मिलेगा प्रैक्टिस के लिए ताकि एग्ज़ाम को अच्छे से आप दे सकते हैं और इस एग्जाम को देखिए यहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं जहाँ के आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट भी यहाँ दिया हुआ है जो कि क्लास वन टू टेन के लिए है तो एक्सक्लूसिव फाइव सब्जेक्ट का ऑफर यहाँ पे दिया हुआ है प्रैक्टिस लाइव टेस्ट कर सकते हैं यहाँ सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करके आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं बहुत सर यूजफुल लिंक्स है यहाँ पे आप जाके आप देख लीजिए फर्स्ट प्रैक्टिस पेपर्स वगैरह ये सब जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स फ्री डाउनलोड है यहाँ से देख सकते हैं मॉक टेस्ट ऑनलाइन ये सब जो है रिचफुल लिंक्स है यहाँ से जाके आप एक बार विजिट कर लीजिएगा तो इस तरह से आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं ये कुछ है एफ है जो आप देख सकते हैं जैसे क्लास टेन ओम्पियाड एग्जाम जो होता है जो कि जो होता है जो क्लास टेन जो होता है इसका हाईएस्ट जो होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है कि क्लास टेंथ वाले लोग जो इसको दे पाते हैं जिसमें प्रैक्टिस जो होता है काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता है अगर क्लास टेन ओम्पियाड अगर आप दे रहे हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आपके बोर्ड के एग्जाम्स में भी बहुत हेल्पफुल इसमें आपको मिल जाएगा देखिए अब यहाँ पे होता है साइंस ओलम्पियाड देखिए उतना हार्ड भी नहीं होता है डिफ़िकल्ट भी नहीं होता है बस ध्यान रखना होता है कि ये आपके करिकुलम पे बेस्ड होता है चूंकि इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड होता है इंडियन टैलेंट ओलंपियाड जो होता है इसको कंडक्ट करता है तो बिल्कुल अच्छे तरीके से इसका जो एक्सपर्ट होते हैं इसको तैयार करते हैं तो उतना हार्ड भी नहीं होता है जितना कि आप समझते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं सिलेबस भी अच्छे तरीके से ये रहता है इसका वर्कबुक जो है सैम्पल पेपर अच्छे तरीके से सब तैयार किया हुआ है तो आप इसको परचेज कर सकते हैं सिलेबस जो देखिए इसका जो होता है जो आपका स्कूल जो सिलेबस होता है वो भी इसके लिए सिलेबस की तरह सेम सेम होता है जैसे कि सी बी या स्टेट बोर्ड उन बेसिस उसके सिलेबस के बेसिस पे इस इसका सिलेबस देखिए जो साइंस ओलम्पियाड का सिलेबस जो होता है जो कि सी बी एस सी स्टेट बोर्ड जो होते हैं क्लास टेंथ के या जो भी उनके बोर्ड जो क्लास के बोर्ड होते हैं उसी स्कूल के जो बोर्ड के जो होते हैं करिकुलम बेस पे इसका सिलेबस जो होता है तैयार होता है तो ज़्यादा डिफरेंस कुछ नहीं होता इस बात का आपको ध्यान रखना होता है सिलेबस जो होता है आप जाके चेक कर सकते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था सिलेबस का ऑप्शन ऊपर में वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं होता है दो सौ इसका जो कॉस्ट है अगर थ्री मंथ के लिए आप इसको ले रहे हैं तो दो सौ है छः मंथ के लिए अगर आप ऐसे करके ले रहे हैं तो चार सौ निन्यानवे रुपया है अगर एक साल का इसके लिए अगर टेस्ट आप ले रहे हैं तो नौ सौ निन्यानवे रुपये जो कि एक हज़ार का है तो ये तीन बातें मैंने आपको बता दिया है क्या होता है ऑनलाइन टेस्ट में देखिए थर्टी क्वेश्चन जो होते हैं इसमें इंक्लूडेड होते हैं जिसमें से आपको ट्वेंटी मिनट का ये होता है देना होता है टोटल मार्क्स जो होता है थर्टी मार्क्स का होता है थर्टी मार्क्स ट्वेंटी मिनट का थर्टी क्वेश्चन थर्टी मार्क्स और थर्टी फाइव मिनट ट्वेंटी फाइव मिनट का आपको टाइम मिलता है तो ऐसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को जानने के लिए आप मंथली ओलंपियाड सेक्शन पे जाके इन इंटरनेट ओलंपियाड का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आज ही जाके इसको रजिस्ट्रेशन कर लीजिए जैसे कि यहाँ देखिए ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ एनुअल और मंथली ओलंपियाड इस पर क्लिक करके आप जाके डिटेल में जान के अपना जो सब्सक्रिप्शन रजिस्ट्रेशन जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं वहाँ पर जाके आप क्लिक करके देख सकते हैं इसे देखिए इस साइंस ओलम्पियाड को आपको जीतने के लिए जो होता है बहुत प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट जो होता है आपका बिल्डअप होना चाहिए इसके लिए जो इसका जो वर्कबुक सैम्पल पेपर वो अच्छे से पढ़िए आराम से इसका जो होता है साइंस ओलम्पियाड जो होता है आपका इसमें क्लियर हो जाएगा आप देखिए इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जो होता है रजिस्ट्रेशन करना होगा रजिस्ट्रेशन जो है इजी है रजिस्ट्रेशन लिंक यहाँ पे ऊपर टॉप पे दिया हुआ है यहां जाके आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं देखिए यहाँ लॉग इन दिया हुआ अगर आपने यहाँ रजिस्ट्रेशन किया तो लॉग इन कर सकते हैं अगर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे क्लिक करके आप जाके इसका रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं तो ये थे सारे डिटेल्स इंटरनेशनल साइंस ओलम्पियाड को लेकर अगर इसके रिगार्डिंग कुछ आपको प्रॉब्लम आता है तो कमेंट सेक्शन में जाइए नीचे कॉमेंट कीजिए बताइए मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके सारे सवालों का जवाब देने का और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और इस एग्ज़ाम को दीजिए क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो चुका है तब तक मुझे दीजिए इजाजत मैं हूँ विवेक धन्यवाद